everyone, so today we are going to see array in Python. So what exactly is array in Python? As you know that we have already studied about the list, what the list is in our some previous lecture. But right now we are going to see array. As you know that in Python there is no array. We will treat the list as an array in Python. So Python doesn't have array, as I told you. That's why in place of array in Python we use a list, and all the functions that we perform on list are also perform on array. जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर लिस्ट को एरे की तरह ट्रीट करते हैं, तो जो भी हम ऑपरेशन लिस्ट पे परफॉर्म करते थे वो यहाँ पर हम एरे पे ट्रीट करेंगे, एरे पे परफॉर्म करेंगे. When we want to use the word array, that means in Python we use a list. अगर हम word array यूज कर रहे हैं, that means we are using the list. If we are using the array in Python, if I refer to any list in Python and I refer this with the name of array. So if you use array in any line of code of the programming in Python, that means you are using a list. So what is an array? Array are used to store multiple values in one single variable. जैसे कि हमें पता है flowers में हमने बहुत सारी multiple values को store करा सकते हैं एक single variable में. एक one single variable में हम क्या कर सकते हैं, multiple values को store करा सकते हैं. We stored so many types of values in one single variable. So here is an example. It is just like list. बस हम इसको एरे की तरह बोलेंगे. तो एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल. कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एरे, फ्लावर्स. सो फ्लावर्स क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया. एंड हियर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक रोज, सनफ्लावर, ब्लॉसम. डिफरेंस हो गया फ्लावर नेम फॉर एक्स इन फ्लावर्स. अब क्या किया मैंने, फॉर लूप यूज कर लिया और मैं क्या करूँगी, वन बाय वन प्रिंट कर दो जो एरे के जितने भी आइटम्स हैं उसको, फ्लावर्स नाम का ही कह रहे हैं, उसके जितने भी आइटम्स उसको प्रिंट कर दो. रोज, सनफ्लावर, ब्लॉसम, फॉर एक्स इन फ्लावर्स, प्रिंट एक्स, फ्लावर नेम, फ्लावर्स. अब रोज, सनफ्लावर, ब्लॉसम. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. दिस इज द आउटपुट. एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. अब हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे एरे में. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लिस्ट में देख चुके हैं पहले, कि यू रेफर टू एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर. दैट मींस इंडेक्स नंबर को रेफर करके हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे. अब कैसे एक्सेस करेंगे, सो सी हियर एन एग्जांपल. स्टूडेंट इज अ वेरिएबल. मोहन, सोहन, राम, सिया, प्रिंट स्टूडेंट. फॉर एक्स एंड स्टूडेंट, प्रिंट एक्स जीरो कॉलन थ्री. मोहन, सोहन, राम, सिया. अब ये सब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वाला होता है. तो मैंने यहाँ पे जब फॉर लूप का यूज़ किया, यहाँ से ध्यान से देखो, जब मैंने फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है तो मैंने क्या बताया कि प्रिंट एक्स ज़ीरो कॉलोन थ्री, दैट मीन्स ज़ीरो इंडेक्स पोजिशन से स्टार्ट हो जाए और कहाँ तक, थ्री तक. लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखने वाली बात है, यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि मैंने क्या बोला, मोहन, सोहन, राम, सिया, ये तो हमारे हो गए एक एरे में आइटम्स. तो इसकी पोजीशन हो गई ज़ीरो, वन, टू, थ्री, राइट. अब
एज वी नो दैट कि जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, एक आइट्रेबल वेरिएबल है, वो कहाँ आइट्रेट करेगा, आइट्रेट कैसे करेगा, जितने भी आइटम्स हैं एक्स पहले यहाँ पे जाएगा जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, ऐसे करेगा। लेकिन अगर हम अब मैंने अगर सिंपली मैं क्या करती कि मैं यहाँ पे कर देती फॉर एक्स एंड स्टूडेंट प्रिंट एक्स करती तो क्या करता, वन बाय वन सारे के सारे जितने भी आइटम्स हैं सारे में वो सारे के सारे प्रिंट कर देता। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि एक्स का जो आइटरेबल वेरिएबल है वो तो करो, लेकिन अब इंडेक्स पोजीशन भी देख लो। इंडेक्स पोजीशन क्या देख लो कि ज़ीरो से थ्री तक, हमें पता है कि हम ज़ीरो से थ्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टू तक लेंगे, स्टार्ट स्टॉप हमारा टू तक होगा, दैट मीन्स ज़ीरो से थ्री। अब हमें आइटरेबल वेरिएबल पूरे में तो आइट्रेट करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्पेशल कंडीशन दे दी है ये कि आप अगर मैं खाली दे देती प्रिंट के उसमें, जो मैंने ये फॉर लूप ना देती और मैं सिर्फ प्रिंट करवा देती प्रिंट एक्स ज़ीरो, तो क्या दे देता, मोहन प्रिंट कर देता। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मैंने कहा कि एक्स आइटरेबल वेरिएबल है जो आइट्रेट तो करेगा इस पूरे लिस्ट में, लेकिन अब इसकी जो कंडीशन है वो ज़ीरो कॉलोन थ्री, दैट मीन्स ज़ीरो से टू इंडेक्स पोजिशन तक चलना चाहिए। तो पहले यहाँ पर हर एक जो एरे में जो एरे जो स्पेस लेता है, पहले तो पूरा का पूरी लिस्ट ने एक स्पेस ले रखी है, दैट मीन्स मोहन के पास है एक, फिर सोहन का, राम का, सिया का, अब इनके पास भी तो स्पेस होगी कहीं, ये खाली की खाली जो मोहन है एम भी कहीं स्टोर होगा, ओ भी, एच भी, ए भी, एन भी, ऐसे ही एस भी, ओ भी, एच भी, ए भी, एन भी, ऐसे ही आर भी, ए भी, एम भी, ऐसे ही एस आई वाई ए। तो अब इन लोगों इसकी इंडेक्स पोजीशन देखें आइटम की, जैसे कि ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ज़ीरो वन टू, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स ज़ीरो कॉलोन थ्री, अब कैसे देखेंगे कि आइटरेबल वेरिएबल का काम तो होता है कि पूरे वेरिएबल्स को प्रिंट कर देना, लेकिन पूरे आइटम्स को प्रिंट कर देना, लेकिन मेरी कंडीशन तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है कि आप एक्स ज़ीरो कॉलोन थ्री करें। अब 03 दैट मीन्स यहाँ तक इसमें आइट्रेट करेगा तो ये प्रिंट करेगा, जो कि ये प्रिंट कर रहा है एम ओ एच, फिर 0 से 3 तक 012 एस ओ एच, आर ए एम, एस आई वाई ए, यहाँ पर आइट्रेट करेगा एक्स आके, एक्स 0 से लेके 3 तक, फिर एक्स 0 से लेके 3 तक, फिर एक्स 0 से लेके 3 तक, फिर एक्स 0 से लेके 3 तक। तो इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को एरे में। और बाकी हमने देखा ही था कि हम कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे हमने प्रिंट कर दिया, अगर हमें एक एक वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट और रेफरेंस उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे ज़ीरो, तो प्रिंट कर देगा मोहन। और अगर हमें सिंपली पूरे के पूरे आइट्रेट करना हो, आइट्रेबल वेरिएबल को चला देंगे हम कैसे लूप फॉर एक्स एंड स्टूडेंट और प्रिंट एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी एरे में ऑब्जेक्ट्स होंगे सब उठा के प्रिंट कर देगा एक एक, मोहन, सोहन, राम, सिया, ये हम देख चुके हैं। नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो, दिस इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल विच आई टोल्ड यू अबाउट दैट। सो हेयर यू कैन सी स्टूडेंट मोहन, सोहन, राम, सिया। अब प्रिंट करा दिया मैंने स्टूडेंट, तो जब मैंने प्रिंट स्टूडेंट कराया तो पूरी के पूरे एरे को प्रिंट कर दिया उसने। एरे का मतलब कि हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा कि एक्सेस कैसे करेंगे हम इंडेक्स नंबर देके, स्टूडेंट जो लिस्ट कह लो या एरे का नाम कह लो, उसके बाद इंडेक्स पोजिशन दे दो, ज़ीरो, ज़ीरो दिया तो मोहन, थ्री दिया सिया, जैसे ही हमने दिया तो सिया आ गया, फिर टू दिया तो राम आ गया, फिर दोबारा टू दे दिया फिर राम आ गया। सो दिस इज़ अ वे ऑफ यूजिंग टू प्रिंट द आइटम्स फ्रॉम द एरे विद द सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट वन बाय वन, फॉर लूप से हम एक साथ कर सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल विच इज़ बेस्ड ऑन एरे, और वी कैन से दैट विच इज़ बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑल्सो। सो स्टूडेंट मोहन, सोहन, राम, सिया,
दैट मीन्स ज़ीरो, इसकी इंडेक्स पोजिशन लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। अब प्रिंट स्टूडेंट, तो जब प्रिंट करवाया तो एक बार पूरा का पूरा हो गया। अब मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि इस लेंथ निकालिए आप, तो कैसे निकालेंगे। कई बार तो हम सिंपल लेंथ दे सकते हैं, लेकिन कई बार हम क्या यूज़ करें, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी लेंथ बताइए, आपने ऑब्जेक्ट्स कितने कितने लेंथ के लिए हैं, तो हम कैसे बताएंगे। हमने कहा फॉर एक्स एंड स्टूडेंट प्रिंट लेंथ फंक्शन का यूज़ करके, क्योंकि लेंथ फंक्शन क्या बताता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर एक्स एक्स या ट्रिपल वेरिएबल जो आइट्रेट करेगा सारे आइटम्स में। अब जब प्रिंट कराया सारे के सारे तो एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए। अब नेक्स्ट वन इज़, जैसे ही मैंने बताया मोहन, तो मोहन बताया मैंने, तो मोहन क्या हो गया, ये हो गया मोहन। उसके बाद मैंने सोहन बताया, तो सोहन क्या है, ये कितनी है, 5 है। इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। फाइव फाइव थ्री फोर। सो दिस इज़ अ वे ऑफ यूजिंग द एरे इन पाइथन। नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस फॉर द मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसमें देखते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं। तो हम एरे कैसे बनाएंगे, मैंने लिया फ्लावर और इसमें लिख लिया मैंने रोज, सनफ्लावर, बस। अभी मैंने दो आइटम्स ले लिए, अब इसको मैंने प्रिंट करा लिया। अभी क्या किया, अभी हमने पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करा लिया। अब मैं क्या करूं कि मुझे इस लिस्ट है जिसको हम एरे बोलेंगे उसकी लेंथ फाइंड कर लूं, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट लिस्ट फ्लावर। अब हम रन करके देख लेते हैं, पहले सेव करो, देन रन इट। सो व्हाट यू सी हियर, हमें यहाँ पे लाइन यूज करना था, हम लिस्ट लिख रहे हैं राइट, इसलिए यहाँ पे आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि लिस्ट को क्या लिस्ट में चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एज पर द प्रोग्राम यू सी हियर, हियर इज अ लिस्ट विच कंटेन टू आइटम्स देन प्रिंट फ्लावर। तो पूरा का पूरा व्हेन आई एम यूजिंग द प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट द फ्लावर्स, सो हियर यू कैन सी द फुल लिस्ट इज प्रिंटेड हियर with all the items that it have. After that, when I'm using print len function to find out the length of the array, so the length of the array is 2. That means in this array there are 2 items, one is a rose, other one is a sunflower. After that I'm going to use the append function, that means to add the elements into this array. Now I want to add some extra items into this array, so I'm going to use the append method. So
Here I'm using the print function. Then पहले हम अपेंड कर लेते हैं फ्लावर, लिली। Then print flower, save it and run it. So here you can see rose, sunflower, and third one is the lily, which is appended into the last in the array. After that, if you want to remove the element from the array, so what you do, you just use the pop method to remove the item from the array. Or which item do you want to remove? You will specify the index number of that item. So I want to remove second item. That means the index number of the second item is 1. So use flower dot pop dot pop and then give 1. After that, again use the print function to print the output onto the output screen and pass flower, save it, press shift F5 to run the program. So what you see here, here you can see, as I told you, I want to remove the second item from the array. So I have used the one index position to remove the sunflower from the array. So here you can see print flower. So the output is rose and lily. You can also use the remove method to remove the element from the array. As you know that when we use the remove method, then we will specify the name of the item to remove the item from the list. After that, array provides so many types of methods which perform some specific operation over to the list, or we can say that array. Like we have already studied about the append. There is also another method that is clear. Copy method is also there, which returns a copy of the list. After that, the count method that returns the number of elements with the specified value. And then the extend method, that means add the elements of a list or any iterable to the end of the current list. And then the index, that means return the index of the first element with the specified value. After that, the insert method, that means add an element at the specified position. You can add the element at the specified position. And then the pop method, which removes the element at the specified position. As we
have already seen example here. And then there is also a method of an array that is reverse, which reverse the order of the list. Like rose sunflower hai, to wo kya karega? Sunflower rose kar dega. Sort the list for sorting the array. Now we will see. Thank you. Please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe to the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.